सर कुछ चीजें कंफर्म कर देना चाहता था नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और एक चीज के ऊपर स्पेसिफिकली थोड़ा डिटेल में बताना चाहता था। पहली चीज, कोई एज लिमिट नहीं है। दूसरी चीज, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। और तीसरी चीज, प्राइवेट कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसका मतलब यह है आपके पास 11, 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं थी, आप प्राइवेट कैंडिडेट फॉर एग्जाम्पल ओपन स्कूल से करके नीट का एग्जाम लिख सकते हैं। बहुत बार काउंसलिंग के अंदर बच्चों को तकलीफ होती है, लोकल ऑफिशियल जो काउंसलिंग करें, डॉक्यूमेंट चेक करें, वो मना कर देते हैं। आपको क्या करना है, सौरभ कुमार जिंगर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है 2021 का। इस जजमेंट को हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसको अपने हाथ में रखिए, उसका प्रिंट आउट, जब कोई भी हंगामा मचाए उन्हें दिखा दीजिएगा कि ये देखिए, और होपफुली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। काउंसलिंग अभी चालू होने वाली है, हम कोशिश करेंगे इस चैनल पे आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करें। सब्सक्राइब कर लीजिए और हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है बच्चों।